हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जनरल मैनेजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर। सो फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रेक्शन स्टार्ट होता है, और जो डायलिटेशन है सर्विक्स का वो 0 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। यहाँ तक का जो पीरियड है उसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें नॉन इंटरफेरेंस विथ वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, यानी कि कोई भी इंटरफियरेंस नहीं दिया जाता और नेचुरल बर्थ के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बस प्रिपेयर किया जाता है। देन टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, मैटरनल कंडीशन एंड फीटल बिहेवियर टू डिटेक्ट एनी इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस अर्ली। सो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से क्या बेनिफिट होता है, मॉनिटर से क्या बेनिफिट होता है? अगर मैटरनल वाइटल्स या फीटल वाइटल्स में अगर कोई अल्टरेशन है, नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की ओर डिविएट हो रहे हैं, तो उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर आगे उसके कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मेजर्स ले सकते हो। तो इसमें कुछ प्रिलिमिनरीज फॉलो की जाती है, तो जिसके अंदर जो पेशेंट का पूरा एवेल्यूएशन है, उसकी क्लिनिकल कंडीशन का, हिस्ट्री का, वो सब कुछ किया जाता है और एंक्वायरी की जाती है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन के बारे में, यानी कि पेशेंट जब हॉस्पिटल आया तो उसको घर पे पेन्स कब स्टार्ट हुए, कब लीकेज हुआ लाइकर का अगर वो है तो उसके बारे में पूछा जाता है, एंड उनकी जो जनरल और ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन है वो सारी एग्जामिनेशन की जाती है, जैसे कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रेक्शन या रिट्रेक्शन है कि नहीं, देन फीटल मूवमेंट है या नहीं, देन पर वजिनल एग्जामिनेशन में सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में देखा जाता है, सीपीडी या पेल्विस की जो उसके जो मेजरमेंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं, वो सारी चीजें चेक की जाती है एंड उसे रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो उसकी एंटीनेटल विजिट्स होती है फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू नाइन्थ मंथ, उसके रिकॉर्ड्स को भी चेक किया जाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखे जाते हैं। अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है, जैसे कि मान लो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है, हाइपरटेंशन है, या ऐसी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम या ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पूरा फर्स्ट स्टेज है या सेकेंड स्टेज उसे मैनेज किया जाता है। एंड अगर उसके लिए उसे कोई ट्रीटमेंट दी गई हो जिसकी इम्पैक्ट लेबर पे होने वाली हो तो उसको रिव्यू किया जाता है। देन एक्चुअल मैनेजमेंट में जो जनरल मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले एंटीसिपेटिंग लाइक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग किया जाता है, कंप्लीट वल्वा जो है वो बेटाडीन से क्लीन किया जाता है, देन पेशेंट को साइकोलॉजिकली एंकरेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट एंड एश्योरेंस दी जाती है, उसको लेबर प्रोसेस के बारे में समझाया जाता है, उसको कंफर्टेबल फील कराया जाता है, और इमोशनली भी अगर उसे जैसा भी फील हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। देन कॉन्स्टेंट सुपरविजन जो है वो होना चाहिए कि कोई भी एक अटेंडेंट है हॉस्पिटल से, नर्स हो या जूनियर डॉक्टर हो या मेन ऑब्स्टेट्रिशियन हो, किसी का भी कॉन्स्टेंट सुपरविजन पेशेंट पे रहना जरूरी है। जनरली अ वुमन इज इन अर्ली नॉर्मल लेबर मे नॉट बी कन्फाइंड टू बेड। सो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट स्टेज में आता है तो सिर्फ बेड पे ही लेटे रहना है, ऐसा नहीं है। वो बेड में आराम से कंफर्टेबल है तो वो रह सकते हैं, अपने पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, और इवन वो वॉक भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज अगर वो कंफर्टेबल है तो। और लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन या डोर्सल सुपाइन पोजीशन जो है वो अवॉइड की जाती है अयोटो केवल कंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर सीधा पेशेंट लेटते हैं या सुपाइन पोजीशन में सोते हैं तो जो अयोटा और वेना केवा की जो लाइंस है वहां पे यूट्राइन फंडस का कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट को कॉम्प्रोमाइज फील हो सकता है। देन बावेल केयर में क्या किया जाता है, सो एनिमा दिया जाता है सोप एंड वाटर से, और ग्लिसरीन सपोसिटरी है वो यूजुअली पहले ट्रेडिशनली यूज की जाती थी, अभी ज्यादातर सोप वाटर एनिमा ही दिया जाता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा लगे कि रेक्टम जो है वो लोडेड है तो, लेकिन ये एनिमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग लेबर डिस्टरबेंस अवॉइड करने के लिए दिया जाता है, या तो अगर एनिमा दिया है, अगर रेक्टम खाली है तो डिसेंट जो बेबी के हेड का हो रहा है तो वो इजीली डिसेंट हो सके।
इसकी इम्पैक्ट ना ही ड्यूरेशन ऑफ लेबर पे पड़ती है और ना ही इससे कोई इन्फेक्शन रेट हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने का रीजन सिर्फ स्टूल या फिकल मैटर नहीं है. प्रॉपर एंटीसेप्टिक मेजर्स अगर नहीं फॉलो किए जाते तब भी पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है. उसके बाद पेशेंट को रेस्ट एंड एम्बुलेशन के बारे में एडवाइस दी जाती है, कब उसे रेस्ट करना चाहिए, कब उसे मूवमेंट करनी चाहिए. तो अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, अगर वो रप्चर नहीं हुआ है, तो पेशेंट जो है वो वॉक कर सकते हैं. ताकि क्या फायदा होता है उससे कि ज्यादा से ज्यादा वेना कैवा पे जो कंप्रेशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जितना इजीली वो वॉक करेंगे उतना बेबी का हेड जो है वो पेल्विक कैविटी में डिसेंट जल्दी होगा, ताकि हम कंप्रेशन अवॉइड कर सके. उससे एम्बुलेशन एंकरेज करने की वजह से ड्यूरेशन ऑफ लेबर भी कम हो सकता है और नीड फॉर एनाल्जेसिया या पेन किलर वो भी कम हो सकता है, और मदर की कंफर्ट जो है वो इम्प्रूव हो सकती है. देन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली या एनाल्जेसिक्स ड्रग्स के थ्रू आप लेबर को मॉनिटर कर रहे हो या पेनलेस डिलीवरी करा रहे हो, तो ऐसे केस में फर्स्ट स्टेज में भी पेशेंट को बेड में रहना पड़ता है. ऐसे केस में हम उन्हें वॉक या एम्बुलेशन अलाउ नहीं कर सकते. फिर डाइट हमें कैसी देनी चाहिए पेशेंट को? ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, जो स्टमक है वो डिलेड एम्पटिंग होता है, मतलब यानी कि उसका जो कंटेंट है वो ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल पर्सन. तो जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट की जो लो पीएच रहती है, अगर गलती से भी वो पेशेंट एस्पिरेट कर जाए, मानो कि किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ा, नॉर्मल लेबर नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन से करनी पड़ी डिलीवरी, तो उसमें कभी कभार जनरल एनेस्थेशिया भी यूज होता है. तो ऐसे केस में अगर पेशेंट के स्टमक में कुछ कंटेंट है, अगर वो एस्पिरेट कर जाता है, तो उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है. इसलिए पहले से ही फॉर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट फूड जो है वो ड्यूरिंग एक्टिव लेबर अवॉइड किया जाता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, आइस चिप्स, फ्रूट जूस, ऐसे हम पेशेंट को अर्ली लेबर में दे सकते हैं. और इसके अलावा जो इंट्रावीनस फ्लूइड है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन स्पेशली, वो पेशेंट को कंटिन्यूअसली स्टार्ट होता है इंट्रावीनसली, ताकि पेशेंट को ज्यादा वीकनेस या डिहाइड्रेशन ना हो जाए. ब्लैडर केयर में क्या किया जाता है? तो द पेशेंट इज एंकरेज टू पास यूरिन बाय हरसेल्फ ए फुल ब्लैडर, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर फुल ब्लैडर है तो वो कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करता है और कई बार इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं. तो यदि फर्स्ट स्टेज में बिफोर 5 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन फेज में है पेशेंट, दैट इज लेटेंट फेज, तो ऐसे केस में पेशेंट जो है वो खुद वॉशरूम जाके यूरिन के अर्ज को अटेंड कर सकता है. अगर वो टॉयलेट नहीं जा सकते, पेन ज्यादा है, एक्टिव फेज में है लेबर, तो उसे बेड पान भी दिया जाता है, और कई कभी कभार इवन जो कैथेटर रहता है वो कैथेटर इंट्रोड्यूस करके भी यूरिन जो है वो एम्प्टी किया जाता है. और ये करने के टाइम पे, कैथेटर इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए. फिर ड्यूरिंग लेबर दिस इज फिक्स्ड कि पेशेंट को सीवियर पेन रहता है. कुछ पेशेंट्स टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते. तो जहाँ पे पेशेंट को इनटॉलरेबल पेन है, पेशेंट की बहुत कंप्लेन है, तो ऐसे केस में पेन किलर्स पेथिडिन 50 to 100 mg इंट्रामस्कुलरली यूज कर सकते हैं एक्टिव फेज ऑफ लेबर में, और उसे रिपीट भी 4 आवरली हम कर सकते हैं. लेकिन और उससे वॉमिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ साथ मेटोकॉलप्रामाइड जो 10 mg है वो IM दिया जाता है इंट्रामस्क्यूलरली, और पेथिडीन जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेस भी हो सकता है नियोनेट को. तो इसलिए उसका जो यूज है वो कंस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अगर डिलीवरी 2 घंटे में होने वाली है, ऐसी ऐसे चांस है, तो पेथिडीन का यूज अवॉइड करना चाहिए. देन मैटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करनी चाहिए, जिसमें 2 आवरली पल्स, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड टंग जो है वो पीरियोडिकली चेक करनी चाहिए हाइड्रेशन के लिए, एंड यूरिन आउटपुट नोट करते रहना चाहिए. यूरिन फॉर एसीटोन एंड ग्लूकोज चेक होते रहना चाहिए टू मेक श्योर कि पेशेंट डिस्ट्रेस या स्ट्रेस में नहीं है. और आईवी फ्लूइड्स और ड्रग्स जो है उसका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि कौन सी ड्रग कितने डोज में, कितने टाइम में दी गई है, कितनी फ्रिक्वेंसी में दी गई है, ओवरडोज को
अवॉइड करने के लिए. इवन आईवी फ्लूइड्स का भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए टू अवॉइड ओवर फ्लूइड कंटेंट इन बॉडी. सो कई बार क्या है कि फर्स्ट स्टेज में कई सारी ऐसी ऑब्स्टेटिक कंडीशन है जिसमें मैटरनल डिस्ट्रेस या मैटरनल शॉक हो सकता है, तो उसे हम आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो एंग्शियस लुक विद संकन आईज, मदर की आईज जो है वो जैसे बिल्कुल जैसे नींद में उठे होते हैं तब आपकी आईज कैसी होती है, बिल्कुल वैसी हो जाती है. पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है, ड्राई टंग हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन का पता चलेगा. फिर उसकी वजह से एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ, यानी कि बहुत ही जो राइप फ्रूट होते हैं, ओवर राइप फ्रूट स्पेशली बनाना जब ओवर राइप हो जाते हैं तब आपको स्पेसिफिक स्मेल आती है, वैसी स्मेल मदर के ब्रेथ में आपको पाई जाती है. देन पल्स रेट जो है वो 100 पर मिनट से भी ज्यादा हो जाते हैं, और वजाइनल टेम्परेचर है जो वो वजाइना का जो जस्ट टच है वो हॉट हो जाता है, और ड्राई वजाइना हो जाती है, और कई बार ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी होता है, और स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन होता है विथ प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन क्लिक द बेल आइकन, एंड यू कैन शेयर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.